नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सोशल मीडिया जानकारी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है और वो बहुत सारी जानकारियों को हमें देती है। और आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोगों को काफी कुछ जानकारियां मिल रही है देश और विदेश के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है। अब जैसे थोड़ा देर पहले मेरे पास एक फ़ोटो आई, आपने भी शायद ये फ़ोटो देखी होगी, ये वाली फ़ोटो। तो ये फ़ोटो काफ़ी दिन से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये फ़ोटो असम में या असम की है। और बताया जा रहा है कि मोदी के इशारे पे भारतीय सुरक्षा सेनाएं जनता का सम्मान नहीं कर रही है और औरतों की भी इज्जत नहीं कर रही है। यानी असम में जिन्होंने NRC का विरोध किया, CAA का विरोध किया, उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है, ये बता रही है सारी मीडियाएं या सोशल मीडियाएं। और मोदी की छवि को पूरी तरीके से खराब कर दी जा रही है इन फोटोओं को दिखा के। दोस्तों, आपको पता है ये फोटो कहाँ की है? ये 2008 की फोटो है और ये नेपाल की फोटो है, असम की बिल्कुल नहीं है। 2008 US एम्बेसी के सामने तिब्बती लोगों ने, तिब्बती शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उस समय की ये फोटोएं हैं। और फिर नेपाल के सशस्त्र प्रहरियों ने इस आंदोलन को दबाया था, तो ये फोटोएं उस समय की है, असम की ये फोटो बिल्कुल नहीं है। जो आपको कहता है कि ये असम की फोटो है वो 100% गलत कहता है। तो अब आप सोचेंगे कि नेपाल यहाँ पे गलत कर रहा होगा। दोस्तों, देश को बरकरार रखने के लिए, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए फोर्स को ताकतवर होना ही चाहिए। हमारे भारतीय मित्र या नेपाली मित्र या कोई भी यदि सोचते हैं कि चीन से तिब्बत अलग हो जाएगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तो ऐसा यदि आप सोचते हैं तो 100% गलत सोचते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि चीन साउथ एशिया में अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो या खुद चाइना में हो। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान से बलूचिस्तान का प्रेशर, भारत से पूर्वोत्तर कश्मीर का प्रेशर, नेपाल से मधेश का प्रेशर और चीन से तिब्बत, झिजियांग और हांगकांग का प्रेशर। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। मैं तिब्बती शरणार्थियों का साथ बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है? और जो भारतीय तिब्बती शरणार्थियों का साथ देते हैं तिब्बत को अलग करवाने में, वो गलत करते हैं। कहते हैं ना कि अपने घर अगर शीशे के हों तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो ये जो फोटोएं हैं ये नेपाल की हैं, 2008 की है, ये असम की बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल मोदी की छवि को खराब करने के लिए ये फोटोएं शेयर की जा रही है सोशल मीडिया में। अब आप ये नहीं सोचें कि हम नेपाल का विरोध कर रहे हैं। पहले देश की अखंडता होती है, उसके बाद ही धर्म होता है या कुछ भी होता है, पहले देश की अखंडता। इसलिए यहाँ पे जो नेपाल पुलिस ने किया वो लगभग ठीक है, वो नेपाल के हित में ही है, क्योंकि ड्रैगन को नाराज करना नेपाल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए नेपाल कभी भी ड्रैगन को नाराज नहीं करना चाहता है। धन्यवाद।